तो चैप्टर पूरा होने के बाद में अपन क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, 12 बच्चे आए हैं आज, क्योंकि तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो एबसेंट हैं, सब यूट्यूब वीडियो देखते हैं बाद में। महत्वपूर्ण प्रश्न, चैप्टर 5, द्रव्य द्रव्य विज्ञान ही है। तो इस चैप्टर के अपन जो देखो, गंगा जल एवं समुद्र जल के गुण, तो अपनी पहली क्लास की ली थी अपन ने। तो गंगा जल यानी वर्षा का जल जो अपन पीते हैं, ठीक है, गंगा नदी की बात नहीं है ये, गंगा जल यानी वर्षा का जल, रेनी वाटर। और समुद्र तो आप जानते ही हो, ठीक है, उसके गुण पूछ रहा है, पीने योग्य जल के गुण। अब पीने योग्य जल कैसा होगा? साफ होगा, स्वच्छ होगा, मधुर होगा, एक तरीके से मतलब जो आप क्वालिटी लिखते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। जलपान विधि, जलपान विधि क्या है कि भाई कब कौन कितना पानी कब पीना चाहिए, कौन से रोग में कितना पानी पीना चाहिए, और खाने से पहले और पीने से क्या होता है, खाने के बाद में पीने से क्या होता है, वो सब अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। शीतल एवं उष्ण जल के गुण, ठंडे और गर्म पानी के गुण पूछ रहा है, ठीक है। दूध के सामान्य गुण अपन ने किए थे, दूध के जब सामान्य गुण बताए थे। फिर एक गाय के, मतलब गाय जो काऊ है उसके दूध के गुण, मैंने श्लोक भी लिखा था इसका, मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, दूध कितने प्रकार का है भाई? 8 प्रकार का होता है, ठीक है। अंतरिक्ष जल से आप क्या समझते हैं भाई? अंतरिक्ष जल क्या होता है? अंतरिक्ष जल वर्षा जल को ही बोलते हैं, ठीक है। स्त्री के दूध के गुण लिखो, जो स्तन मतलब स्तन से बाहर जो दूध अपन जो पीते हैं उसके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या फायदे हैं, कैसा गुण होता है, तक तिक्त होता है कि रुक्ष होता है कि मधुर होता है, वो भी जो आप पढ़ा भी अभी तक आपने। दही के गुण में दही का निषेध, दही के गुण पूछ रहा है ये, और दही का निषेध मतलब दही कब नहीं खाना चाहिए। नवनीत, नवनीत क्या होता है? मक्खन, जो अपन दही को मथकर निकालते हैं ना, मक्खन, उसके गुण पूछ रहा है। पुराण ग्रंथ और प्रे पुराण ग्रंथ के बारे में, तो पुराण ग्रंथ तो क्या होता है, 1 से 10 साल तक का ग्रंथ पुराण ग्रंथ, और 10 साल से अधिक पुराना गया तो उसे प्रे पुराण ग्रंथ कहते हैं। इच्छु रस के गुण व विकार बताइए। इच्छु रस क्या है? गन्ने का रस के गुण क्या है उसके, और विकार क्या है, मतलब जो विकृतियां, राब है, मत्स्यखंडी का है, ठीक है, शर्करा है, गुड़ है, वो सब। मधु के गुण व उष्ण मधु का निषेध बताइए, जो शहद है उसके क्या गुण है, और उष्ण मधु क्यों नहीं खाना चाहिए। उष्ण मधु खाने का बताया गया भाई विरुद्ध आहार, क्योंकि शहद है जो शीत वीर्य होता है, ठीक है, और जो अपन अगर मधु को उष्ण करेंगे तो विरुद्ध आहार की तरह कार्य करेगा और अपने शरीर में जाके दोषों को उत्कलित करता है, मतलब मारक हो जाता है। तो साफ लिखा हुआ है कि भाई शहद का उष्ण करके सेवन नहीं करना चाहिए, और मैंने 2 लाइन इसके बारे में लिखी हुई भी है। सर्वश्रेष्ठ तेल के गुण बताइए। तो सर्वश्रेष्ठ तेल क्या है? तिल। तो तिल के गुण पूछ रहे हैं यहाँ पर, तिल तेल के गुण पूछ रहा है। अब देखो अरंड तेल के गुण, जो कैस्टर ऑयल है उसके गुण पूछ रहा है कि तीव्र विरेचक होता है। युक्तिपूर्वक मद्यपान वह अयुक्तिपूर्वक मद्यपान के लक्षण लिखो। अगर सिस्टमेटिक तरीके से दारू पियोगे या शराब पियोगे तो उसके क्या लक्षण है, और असिस्टमेटिक तरीके से पियोगे तो उसके क्या लक्षण है। अरिष्ट के गुण, अब अरिष्ट क्या है, अरिष्ट की परिभाषा मैंने आपको बताई है, उसके जो गुण पूछ रहा है कि मद के बहुत मोस्टली गुण इसमें पाए जाते हैं। मूत्र के प्रकार मैंने अभी बताया था कि मूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। मूत्र के गुण अभी मैंने बताया था अभी क्लास में थोड़ी देर पहले, मूत्र के गुण। आचार्य भागवत ने द्रव को कितने भागों में बांटा है? आचार्य भागवत ने द्रव को 5 भागों में बांटा है, ठीक है। घी के गुण लिखो, घृत यानी घी, तो घी के क्या गुण है, और बकरी के दूध के गुण लिखो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से अपना चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। अब जो जितने भी चैप्टर है ना, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5वां भी 2 दिन नहीं, 6ठा भी 3 दिन लेगा, 7वां 2 दिन, 8वां 2 दिन, 9वां 2 दिन, 10वां 2 दिन, बस 2 2 दिन के चैप्टर हैं अब, ठीक है। जल्दी जल्दी चैप्टर पूरे होंगे तो रेडी रहना, ठीक है। अब ये हो गए क्वेश्चन कौन से चैप्टर के, चैप्टर 5 के। अब चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे।